नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज चंदन सिंह फ्रॉम एनबीसी डिपार्टमेंट। आई एम ए साइट इंजीनियर पाइप फिटिंग। मैं आपको आज फुल जानकारी दूंगा पाइप फिटिंग के बारे में और टेरेस पे टंकी फिटिंग के बारे में। आप देख रहे हो मेरे पीछे तीन टंकी फिटिंग है जो पर टंकी 2000 लीटर की है। इसमें आपका 3 पाइपलाइन डाली जाती है, एक इनलेट, दूसरा आउटलेट और तीसरा ओवरफ्लो पाइप। ये आप जो नीचे ब्रांच लाइन देख रहे हो, इसमें एक 40 mm ब्रांच लाइन है जो इनलेट पाइपलाइन है। ये इनलेट पाइपलाइन है जिससे टंकियों में फिलिंग होती है, वाटर भरा जाता है। ये आउटलेट पाइपलाइन है जिससे पानी का आउटलेट लिया जाता है टंकियों में सप्लाई, हॉस्पिटल में टंकलाई सप्लाई के लिए। ये आपका ESIC बीमा हॉस्पिटल है जहाँ पर इस ब्लॉक के लिए ये ब्लड बैंक है। इस ब्लॉक में 6000 लीटर रिक्वायरमेंट है वाटर। ओके दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा पूरे टंकी फिटिंग के बारे में, कौन सा सॉकेट कौन क्या होता है, कौन सा पार्ट क्या होता है, कौन सी ब्रांच लाइन है, कौन सी मेन लाइन है, आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये जो आप देख रहे हो ये हमारी ब्रांच लाइन है, ये हमारी फायर लाइन है। फायर लाइन के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हमारी 80 mm ब्रांच लाइन है, ये हमारी 80 mm ब्रांच लाइन है, ये वाली। इसके आगे आपका सॉकेट लगा है 80 mm, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा 80 mm गेट वॉल है, 80 mm गेट वॉल है। फिर हमारा 80 mm यूनियन ज्वाइंट लगाया गया है। ये यूनियन ज्वाइंट इसलिए लगाया जाता है कि दो पाइपों को जोड़ने के लिए हम यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। उसके आगे आपका टी लगाया गया, टी ये भी 80 mm टी, ठीक है, 80 mm टी है। ये आपका आउटलेट ओवरफ्लो पाइप, ये आपका आउटलेट ओवरफ्लो पाइप है। इसका साइज 40 mm है। ये आपका आउटलेट पाइप है, ये जो आप देख रहे हो ये आउटलेट पाइप है। अब ये 80 mm टी लगाया गया है इस पाइप किसी टंकी को कनेक्ट करने, यहाँ से ज्वाइंट लगा के यहाँ से कनेक्ट करने के लिए लगाया गया, ठीक। ये टी लगाया गया 80 mm, फिर 90 डिग्री एल्बो लगाया गया, ये आपका 90 डिग्री एल्बो है। ये आपका 14 mm निप्पल है जो रेड्यूसर लगाकर 80 mm बनाकर फर्स्ट टंकी पर रिक्वायरमेंट आउटलेट रिक्वायरमेंट के लिए फिटिंग किया। ये
ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इनलेट पाइप है, ये आपका गेट वॉल लगाया है। इनलेट पाइप गेट वॉल किसके लिए हम लोग लगाते हैं? गेट वॉल हम लोग लगाते हैं फ्लो को स्टॉप और ऑन करने। ये ऐसे खोलेंगे इस तरीके से तो ओपन हो जाएगा, और यू कर देंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज क्या है। इसे कहते हैं थ्रस्टेड ब्लॉक। एक प्रेशर को प्रेशर पाइपों में रहता है, तो ये पाइप कोई चढ़ने उठने से या फिर प्रेशर के लिए लूज ना हो या टूटे ना कोई चीज, इसको बेस के लिए इसको लगाया गया। ये कंक्रीट से बनाया गया है। ये है हमारा टंकी जॉइंटर दोस्तों, ये है हमारा टंकी जॉइंटर। इसका प्रयोग हम पाइप फिटिंग और पाइप फिटिंग मतलब पाइप से पाइप को टंकी से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, इसको टंकी जॉइंटर कहते हैं। इसके आगे 2 इंची टिम्बल 80 mm और फिर सॉकेट लगाया गया है, फिर 3 इंची 80 mm, फिर गेट वॉल लगाया गया है, फिर 4 इंची 80 mm डिप्पल और फिर यूनिट जॉइंट लगाया गया है। ठीक इसमें दोस्तों ये है हमारा 40 mm इनलेट पाइप, इससे इन टंकियों को फिल किया जाएगा, मतलब वाटर फिल किया जाएगा, पानी भरा जाएगा। ये 90 डिग्री एल्बो लगाकर अप किया गया है, और फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मूव करके और फिर उसके अप साइड मूव करके टंकी में इन कर दिया है, इसलिए इसको इनलेट पाइप लाइन पाइप कहते हैं। ये है हमारे टंकी कनेक्शन के लिए पाइप लगाएंगे, 3 टंकियों के कनेक्शन के लिए, तीनों टंकियों में पानी फिल होता रहे। ठीक है दोस्तों। अच्छा इधर हमारा ओवरफ्लो पाइप है, टंकी ओवरफ्लो पाइप। ये दोस्तों जब टंकी में पानी भर जाता है, जब पानी भर जाता है तो यहाँ से पानी निकलने लगता है, टंकी में वेस्ट पानी निकल जाता है, ओवरफ्लो निकल जाता है। ये पाइपलाइन ओवरफ्लो पाइप है, और वो आउटलेट ओवरफ्लो पाइप है सॉरी, और ये टंकी ओवरफ्लो पाइप। ये हमारा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों, टंकी को टेरेस पे ऐसे ही नहीं रखा जाता है। मेरा कहने मतलब है टंकियों को टेरेस पे रखने से पहले वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना लिया जाता है, जैसे कि यहाँ प्लेटफॉर्म बने हैं 550 × 500 मतलब कि 550 × 500 mm के। अच्छा प्लेटफॉर्म दोस्तों उसको कहते हैं लोग, ये टंकी प्लेटफॉर्म है, दिस वन ये टंकी प्लेटफॉर्म है। अब एक बार आपने बताया दोस्तों, बता देता हूँ कि आप जो देख रहे हो कि आपका साइड है, छह फुट चार इंच आउटलेट पाइप 80 mm फर्स्ट टंकी के ज्वाइंट के लिए मूव किया। ये 5-6 फुट 4 इंच इधर और 6 फुट 4 इंच उधर किया। ये एरिया के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना क्या पाइप लगाना है।
जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि एक टंकी 2000 लीटर कैपेसिटी की है, 2000, 4000, 6000, मतलब इस ब्लड बैंक में टोटल रिक्वायरमेंट 6000 लीटर्स है। इसका जो ऊपर से डाया है, होल डाया मतलब कि ये वाला, ये आपका 36.2 इंच का है, ठीक है। तो अब ये जैसा ये जो है, ये टेरेस जो है, इस टेरेस पे पहले ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम करके फिर टंकी की फिटिंग की जाती है। अच्छा, आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि इनलेट पाइप हमारा 14 mm का है और आउटलेट पाइप हमारा 80 mm का है। अगर आप समझ रहे हो, ये 80 mm का पाइप है और उधर इनलेट पाइप 14 mm का है, तो 14 mm का पाइप कम क्यों है, और मतलब कि इनलेट पाइप 40 mm का कम क्यों है और आउटलेट का पाइप 80 mm का ज़्यादा क्यों है, मतलब इंक्रीज क्यों है। तो वो दोस्तों इसलिए पानी फिल करने के लिए हम लोगों को 40 mm का पाइप भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 80 mm का पाइप आउटलेट में होना ही होना चाहिए, मतलब कि अकॉर्डिंग होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जब आउटलेट रिक्वायरमेंट देनी होती है तो प्रेशर पे देनी पड़ती है। तो प्रेशर के लिए हमको पाइपलाइन का डाया ज़्यादा होना चाहिए जिससे फुलफिल हो पाए, मतलब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। गुड बाय। माय नेम इज चंदन सिंह। गुड बाय।